एक्टर्स हैं, कमाल का काम करी हैं। आपका हम टीवी का ड्रामा चांद तारा जी आ रहा है, बिल्कुल। तो मंतशा जरा बताएं कि आपका करेक्टर क्या है, कास्ट में कौन कौन लोग हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सभी कुछ बताएं आप। तो जो मेरा ड्रामा आ रहा है चांद तारा हम चैनल से, तो वो बहुत ही कोई ना बहुत 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 अच्छी कास्ट है उसकी ना, बहुत 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 अच्छी कास्ट, कैसे? क्योंकि सब मुझे बहुत प्यारे हाँ हैं। साथ ही साथ के उनके डायलॉग्स बड़े मजे के हैं, और चीजें आप उसी तरीके से अगर आप बोलोगे भी ना फौरन फौरन, और बड़ा अच्छा लगेगा कि फौरन से रिप्लाई कर रहे हैं उसका। जैसे एक बंदे ने डायलॉग किया तो फौरन आपने दूसरा डायलॉग उसको मारी रूश, तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि फौरन फौरन डायलॉग बोल रहे हैं जैसे बातचीत हो रही हो। तो अगर आप जैसे सबक पढ़े हो, वो स्क्रिप्ट पढ़ी, अब आप उसी सबक की तरह आप डायलॉग को भी निकालो ना, कुछ नहीं होना बिल्कुल ही। आपको फिर रीटेक करवाएंगे, अगर दोबारा वैसे कर फिर रीटेक कराएंगे, फिर तो आपको कोई नहीं लेने वाला। इम्प्रोवाइजेशन का मौका देते हैं या एग्जैक्टली वही लाइनें बोलनी है? वो दानिश नवाज के साथ कैसा रहा? दानिश नवाज के साथ भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कुछ लाइंस मैं ऐड कर लेती हूँ, कुछ वो कर ऐड कर लेते हैं, लेते हूँ, इजाजत है, इजाजत ठीक है। बिल्कुल बाकी है। कास्ट में कौन कौन? कास्ट में रुमैसा खान है, अशे वजाहत है, अशे खान है, दानिश तैमूर है, और आयजा खान है, और मधियावाजी है, मधिया इफ्तिखार, मधिया इफ्तिखार है, और गजल कुरैशी है, गजल सॉरी यस सिद्दीकी। गजल सिद्दीकी, सॉरी। अच्छा सो बहुत सारी कास्ट है, तो मतलब चांद जो है वो दानिश तैमूर बने और तारा आयजा खान बनी है। आयजा खान के घर वालों से मैं मिली हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ना मुझे नाम तो जो भूल रही हूँ इसलिए ना अभी इन लोग की ना इस ड्रामे में शादी होगी पूरी। दानिश तैमूर और आयजा खान की हाँ, शादी आयजा होगी, खान की शादी होगी, और कितनी इसमें शादियां करेंगी? एक दफा हो गई है, फिर ड्रामे में फिर शादी होगी। नहीं इनके ना, मैंने उनसे बोला ना कि दानिश भाई कितना फनी है, आपकी असलियत में शादी हो चुकी है लेकिन इस ड्रामे में दोबारा हो गई है। तो कह लगे ऐसे बहुत बार होता है कि हमारी ड्रामों में कुछ दोबारा शादियां होती हैं। तो इसमें महाबाजी भी हैं और अशे वजाहत की महा खान से शादी होगी, मतलब दो मतलब भाई बहन भाई भाई की शादी हो रही है, दो घरों में शादियां हो रही है, तो कोई 6-7 इवेंट है घर में ना, बहुत सारा मजा आने वाला है, और शादी का इवेंट तो क्लासिक क्या बात है होगा। मंतशा, क्या फर्क होता है जब आप कॉमेडी ड्रामा कर रहे हो या सीरीज कर रहे हो, कोई फर्क है बहुत क्या? बहुत क्या बड़ा फर्क है। फर्क है? आई थिंक जो कॉमेडी ड्रामाज है ना उसमें आपको सबक नहीं पढ़ना होता, और जो सीरियस है उसमें आपको थोड़ा सा अपना सैड फेस रखना होता है, और आप ना डायलॉग भी ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मैं जा रही हूँ पार्टी, अब कॉमेडी और उसमें देखिएगा सैडनेस में, सही है? अब जो मैं कह रही हूँ ना थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा वाला, मामा मैं जा रही हूँ और कॉमेडी में मामा मैं जा रही हूँ बाय बाय, तो देखे अब इतना बड़ा फर्क है इसमें। सही सही सही, मतलब बहुत मेजर फर्क है। अच्छा एक एक इसमें एक आयशा खान भी है खातून, नहीं, आयशा खान नहीं है, रुमैसा खान है। तो हम एक प्ले कर रहे थे अभी पीछे टेलीफिल्म, उसमें एक इरफान मोती वाला साहब की वाइफ बनी आयशा खान, और उन्होंने कहा कि मैं दानिश नवाज के साथ अभी काम कर रही हूँ, हो सकता है आपके साथ सीन्स ना हो। वो दूसरे शायद सीरीज हो इसलिए। सही सही सही, ठीक है जी। और चांद तारा आ रहा है हम टीवी पे इस रमजान इस रमजान, डेली है 30 डेज में ना, 30 डेज। 30 डेज, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि इसकी लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे तो लगता है बहुत फेमस होगा, बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि दानिश नवाज ने जो डायरेक्ट किया है, और जो दानिश नवाज अक्सर जो है ना कॉमेडी ड्रामा डायरेक्ट करते हैं, और वो बहुत हिट होते हैं। बिल्कुल, बहुत हिट होता है। अच्छा बजट, बच्चों को पैसा सही देते हैं बजट, या उनको कहते नहीं यार 40 स्टार कम दें क्या, या नहीं, क्या है? कम वम नहीं, सही देते हैं। लेकिन जो मेरी अकाउंटेंट है ना वो मेरी मामा है, और जो मेरी मैनेजर है मतलब असिस्टेंट है वो मेरी बहन है, हाँ तो मैं किसी को अपना असिस्टेंट नहीं बनाती, कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी को बोलूं मेरे जूते निकालो मेरे चप्पल निकालो, मैं खुद अपनी चीजें करती हूँ। कितने दिन, चलो आपकी वालदा को दिखाते हैं जी।
अच्छा ये बताएं मंतशा कि कितने दिन काम किया शूट, कितने 30 दिन के लिए, कितने दिन तक शूट चली है? आई थिंक 30 दिन के लिए ज़्यादा शूट चलेगी, क्योंकि ना कभी किसी एपिसोड का पार्ट करते हैं, कभी किसी एपिसोड का पार्ट करते हैं, एक साथ पूरी एपिसोड करेंगे ना तो अगला दिन हो जाएगा। तो किसी घर के अंदर, बंगले के अंदर कर रहे हैं या बाहर आउटडोर भी सीन्स हैं? आउटडोर भी सीन्स हैं, एक बैंगलो है उसमें कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी एक्टिंग, अच्छा दूसरा आपने देखा कि आप, क्या ख्याल है आपका? कुछ लोगों को मैंने देखा, अगर वो, जैसे मैंने एक ड्रामा किया ARY का, ठीक है मैं नाम नहीं बता रहा, वो मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं बहुत किलो नजदीक बैठा था, मैं देखा अंदर से हंस रहे थे। तो ऐसा एक्टिंग है या आप एक्टिंग में रियल करते हो, असल में रोते हो या क्या? देखें, जो आप सैडनेस वाले ड्रामे हैं ना, उसमें आप हंस तो सकते ही नहीं है। बेशक आप रो रहे हो ड्रामे में, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप रोते रोते हंसोगे तो क्या समझेंगे आपको, पागल समझेंगे। असलियत में भी आप पता ऐसे चल कर रहे जाता हो, ऑडियंस को कि ये सही नहीं कर रहा। पता तो चल जाता है, क्योंकि